आज एक नए टॉपिक के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ। एंड आज हम लोग सभी लोग पहला तो पढ़े हम लोग कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स पढ़े। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पहला पीबीसी का पढ़ेंगे, जो पीबीसी का केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे कैसे चेंज हो सकता है केमिकल, उस पर सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग कोई भी प्लास्टिक मटेरियल्स को पहले यूज़ करने के पहले उसका हम सस्टेनेबिलिटी जानते हैं कि क्या केमिकल कैसा सस्टेन करेगा, जिस प्रोडक्ट के लिए हमें यूज़ करना है कैसा वो इफ़ेक्ट देगा। और पहला तो हमें इमर्सन टेस्ट में करने जा रहे हैं। इमर्सन टेस्ट में पहला हम पीवीसी मतलब एसीटोन इमर्सन ले रहे हैं, जो एआर ग्रेड का एसीटोन हम यूज़ करेंगे। और एआर ग्रेड का एसीटोन यूज़ करेंगे जिसमें हम स्पेसिमेन पीवीसी स्पेसिमेन जो होगा मतलब जो सैंपल होगा उसको हम कट करके उस एसीटोन में इमर्स कर देंगे, मतलब कुछ देर के लिए डाल कर छोड़ देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे मतलब आफ्टर द 20 मिनट्स द सैंपल को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद उसका हम वेट करेंगे टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू प्लेस कहता है सैंपल को एसीटोन से 20 मिनट्स बाद प्लेस करने के बाद जब हम उसका वेट करेंगे और फिर हम स्पेसिमेन को क्या करेंगे कि फिर से देखेंगे उसमें क्या क्या मेरा स्पेसिमेन पहले कैसा था और अब एसीटोन से 20 मिनट्स बाद निकालने के बाद उसका सैंपल का कैसा इफ़ेक्ट है या क्या क्या उसमें चेंजिंग आया है। और पहला तो हमें पीवीसी का डेंसिटी जानना होगा कि पीवीसी का डेंसिटी 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और उसके बाद इस जो एसीटोन इमर्सन जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो किस स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर में हम करेंगे, जो एसटीएमडी 2152 है। जो डेंसिटी ऑफ एसीटोन जो है 0.7857 ग्राम है। और यहाँ पे अब जब हमें लिखना होगा क्वेश्चन में तो पहला हम क्या करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस जानेंगे कि सिग्निफिकेंस में मतलब कैसा जब हम एसीटोन में डालेंगे अब अपना सैंपल को तो ये कैसा इफ़ेक्ट करेगा, मतलब इफ़ेक्ट में क्या होगा कि जो वाल ऑफ द सैंपल जो होगा उस थिक मतलब स्वेल कर जाएगा या थिक हो जाएगा और फिर उसमें फ्लैक्स टाइप का रिलीज होगा, मतलब पाउडर या फ्लैक्स जो रिलीज होंगे वो देखेंगे कि उसका यह इफ़ेक्ट एसीटोन का आ रहा है मेरे सैंपल पे। और फिर हम अपना स्टैंड देखेंगे क्या क्या मेरे इक्विपमेंट को ज़रूरी पड़ा। इक्विपमेंट हमें एनालिटिकल वेटिंग बैलेंस चाहिए और प्रिसीजन ऑफ 0.001 ग्राम का चाहिए, मतलब। और फिर उसके बाद हमको रिएजेंट मतलब कौन सा हम सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं उसमें, मतलब जो हम सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे जो एआर ग्रेड एसीटोन ऑफ है जिसका डेंसिटी हम जस्ट आपको बताए हैं 0.7857 ग्राम पर ml है। फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम में लिखना है कि प्रोसीज्योर्स कैसे होता है। प्रोसीज्योर्स में क्या लिखेंगे, पहला तो हम उसका लिखेंगे कि पहला क्या किए हम लोग, सैंपल को कट किए, कितना mm का कट किए, कितना स्टैंडर्ड साइज़ है सैंपल का। स्टैंडर्ड साइज़ जानते हैं कि 13 mm से वाल थिकनेस कम हम नहीं डाल सकते हैं एसीटोन में, सैंपल हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और कितने देर तक के बाद हम सैंपल को एसीटोन से निकालेंगे, ये सब हमें प्रोसीज्योर में लिखना होता है। आफ्टर द 20 मिनट्स सैंपल इज रिमूव्ड एंड ऑब्जर्व्ड फॉर अटैक ऑफ एसीटोन ऑन द सैंपल। हम लोग जब 20 मिनट के बाद निकालेंगे एसीटोन से तो क्या होगा, उसमें हम अटैक देखेंगे कि क्या क्या अटैक आया है एसीटोन का हमारे सैंपल पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राइजिंग रिमूविंग ऑफ मटेरियल, उस पर देखेंगे कि सरफेस ऑफ वाल जो मिड में जो बीच में हुए वो स्वेल कर गया है। फिर देखेंगे कि सरफेस कंसीडर्ड टू बी फेलुअस, फिर मतलब स्वेल होकर गया है।
और फिर उसके बाद उसमें हम देखेंगे फ्लैक्स निकल रहे हैं, राइजिंग एंड रिमूविंग ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, मतलब मटेरियल्स उसमें से छूट रहे हैं या कलर छूट रहा है, उसमें कलरिंग भी देखेंगे कि क्या कलर भी चेंज हो रहा है क्या। इट्स ओके एंड थैंक्स। नेक्स्ट वीडियोस एसीटिक एसिड इमर्सन से हम आपको लेकर आएंगे। थैंक यू। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं जो हम नोट्स बनाए हैं, जिससे हम आपको डिटेल में बताते हैं जो एसीटिक एसिड है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, एसीटोन्स इमर्सन है पहला, जहाँ से अभी स्टार्टिंग है जो एसीटोन इमर्सन है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एसीटोन इमर्सन। अब नोट्स बना लीजिएगा वीडियो को रोक रोक कर, चाहे आप हमसे व्हाट्सएप पे भी ऐड हो सकते हैं।